स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में जो सीक्वेंस के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके अच्छा, फर्स्ट इज कॉची सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ए एन इज सैड टू बी अ कॉची सीक्वेंस। सीक्वेंस ए एन को हम कॉची सीक्वेंस तब कहेंगे बच्चे इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। मतलब क्या, एक सीक्वेंस है ए एन को, उसको हम कॉची सीक्वेंस तब कहते हैं कि इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए मॉड ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस। ये बच्चे शॉर्ट नोट हैं, रिवीजन के लिए हैं, अगर एग्जाम में जा रहे हो तो आप रिवाइज करने के लिए जस्ट को देख सकते हैं ना। सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस है कोई हमारे पास रियल नंबर की, इस कन्वर्जेंट, वो कब कन्वर्जेंट होगी बच्चे, कि इफ़ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस, कि अगर कोई सीक्वेंस रियल नंबर की सीक्वेंस है वो तब कन्वर्जेंट होती है जब वो क्या हो, कॉची सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये लिमिट फाइंड आउट करने के लिए थ्योरम्स हैं, टेस्ट हैं, ये लगते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ठीक है, तो नेट में भी आते हैं ये टेस्ट, यूज़ होते हैं, गेट में भी यूज़ होते हैं। क्या ये, कि लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन इक्वल्स टू ज़ीरो। कि अगर हमारी ए एन जो सीक्वेंस है वो, उसकी अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो है तो क्या होगा बच्चे, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन जिसकी नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, सारी सीक्वेंस होंगी, है ना, टर्म्स होंगे, अपॉन एन भी क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। नेक्स्ट क्या थ्योरम है हमारी, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, कि इफ़ ए एन इज़ अ कन्वर्ज टू एल, अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल को, ठीक है, और एल क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो ए एन है वो क्या है, पॉजिटिव है, जो ए एन क्या है, ए एन जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव है, देन लिमिट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन ए एन इक्वल्स टू एल। तो ये भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल को, कि अगर ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, अगर ए एन जो टर्म है वो कन्वर्ज कर रहा है एल को और एल नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन वन अपॉन एन भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चे कि इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन आर पॉजिटिव, अगर ए एन जो सीक्वेंस है उसकी सारी की सारी टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हों, एंड इफ़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन एग्जिस्ट, कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हैं और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन एग्जिस्ट करता है तो देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन अपॉन एन भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ टेस्ट है सीक्वेंस का। सिक्स टेस्ट है सिसरो टेस्ट। ये क्या कहता है बच्चे, कि लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए। ठीक है, कि ए एन जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट अगर ए है और बी एन आपके पास सीक्वेंस है उसकी लिमिट बी है और ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस ए एन बी वन अपॉन एन इक्वल होगा ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैंडविच थ्योरम। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आई होप कि आपको, मुझे पता है कि आई होप कि आपको ये या लर्न भी होगी या आपको इसके बारे में पता भी होगा। क्या है ये सीक्वेंस, कि लेट ए एन बी एन सी एन आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अगर ए एन बी एन सी एन सीक्वेंस है, थ्री सीक्वेंस है हमारे पास रियल नंबर की, सच दैट जो ए एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एन, बी एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, कि अगर ए एन सीक्वेंस बी एन से छोटी है और बी एन सीक्वेंस सी एन से छोटी है, ठीक है, और ए एन सीक्वेंस की लिमिट क्या है एल और सी एन की भी लिमिट क्या है एल, तो अगर ए एन की और सी एन की दोनों की जो लिमिट एल है तो ऑब्वियसली क्या कहती है ये थ्योरम, कि लिमिट ऑफ बी एन भी क्या होगी, एल ही होगी। दिस इज आर सैंडविच थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नंबर एट, कि इफ ए एन
एंड BNR टू सीक्वेंसेस। हाँ जी बच्चे जी, हमारी 8th टेस्ट है कि इफ AN और BNR टू सीक्वेंस, अगर AN और BN टू सीक्वेंस है सच दैट कि AN इज़ लेस देन इक्वल्स टू BN, जो AN सीक्वेंस है वो लेस है BN से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू N, देन लिमिट ऑफ AN, जो AN की लिमिट होगी वो लेस होगी लिमिट ऑफ BN से। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट हमारी जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो क्या है, 9th टेस्ट, कि इफ AN बी अ सीक्वेंस, अगर AN कोई सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सच दैट कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी AN प्लस वन अपॉन AN इक्वल्स टू L, ठीक है, कि अगर हमारे पास AN कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, ठीक है, और उसमें जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN प्लस अपॉन AN है वो क्या है, L, वेन एवर अगर L हमारा बच्चे लेस ना होगा ना वन से, अगर जो हमारा L जो लिमिट आई है अगर वो वन से लेस है ना, तो जो AN होगी वो क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, तो AN हमारा क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि अगर L ग्रेटर हुआ वन से तो क्या होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा, कि इफ़ AN बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN प्लस वन अपॉन AN इक्वल्स टू L, और L क्या है, वन से बड़ा है, देन AN इज नॉट बाउंडेड सीक्वेंस, तो AN क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगी एंड हैंस नॉट कन्वर्जेंट, और ये बाउंडेड नहीं होगी तो कन्वर्जेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे टेस्ट कि लेट AN बी अ सीक्वेंस, अगर AN आपके पास कोई सीक्वेंस है सच दैट AN किस पे कन्वर्ज कर रही है, A पे, देन AN की स्क्वायर भी किस पे कन्वर्ज करेगा, A स्क्वायर पे। ठीक है, और जो हमारी 12th रिजल्ट है वो क्या कहता है कि लेट AN बी अ सीक्वेंस, अगर AN सीक्वेंस है सच दैट AN का स्क्वायर किस पे कन्वर्ज कर रहा है, A स्क्वायर पे, देन मॉड ऑफ AN किस पे कन्वर्ज करेगा, मॉड A पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे सीक्वेंस के 12 रिजल्ट थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, इनका हम यूज़ करते हैं नेट और गेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी जस्ट रिवीजन के लिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।